बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेबी फ्रॉक शेयर करने वाली हूँ, मगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने ये फ्रॉक की कटिंग कर दी है, ये हमारी पेटी की कटिंग है। हमने टिश्यू का फैब्रिक लिया है और लॉन के कपड़े की हमने लाइनिंग अंदर से लगानी है। तो इस तरह से हम पहले टिश्यू वाला कपड़ा है, हम इस तरह से शोल्डर अटैच करेंगे। अब हमारी जो लाइनिंग का कपड़ा है, हम उसके भी शोल्डर की सिलाई कर देंगे। हमने दोनों पेटी की शोल्डर की सिलाई कर दी है। अब हमारी ये बैक साइड है, हम इसके सेंटर में ये बटन पट्टी लगाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम टिश्यू वाला ये फैब्रिक रख के सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से बैक साइड और नेक की सिलाई कर दी है, अब हम सीधा करेंगे। हम इसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे। हमने जो बटन पट्टी बनाई है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम सिलाई कर देंगे। अब हम आर्म होल की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम बाकी कपड़े को टर्न करके नीचे वाली साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से रख के सिलाई करते जाएंगे। सिलाई करके छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, अब हम सीधा करेंगे। सीधा करके सेम तरीके से हम ऊपर से सिलाई कर देंगे। हमने दोनों आर्म होल की सिलाई कर दी है, अब हमारी जो पेटी की नीचे वाली साइड है, हम उसको अभी आपस में अटैच कर देंगे। हमने पेटी की दोनों तरफ से सिलाई कर दी है, ये हमारी फाइनल लुक है पेटी की। ये हमारी पेटी तैयार है, अब हम नीचे फ्रॉक की फ्रिल बनाएंगे। हमने ये अम्ब्रेला कटिंग की है और हमने जो लाइनिंग का कपड़ा लिया था वो हमने 4 इंच कम लिया है। तो इस तरह से पहले हम लाइनिंग की सिलाई करेंगे, दामन की हम एक साइड सिलाई करेंगे। अब हम दामन की सिलाई करेंगे।
हमने लाइनन की दामन की सिलाई कर दी है और ये हमारी बैक साइड है हमारी लाइनन की। अब इसके ऊपर ही हम फ्रिल लगाएंगे। हमने ये 4 इंच वेद में कपड़ा लिया है और लंबाई में हमने ज़्यादा लिया है, तो इस तरह से 4 इंच के फासले पे इस तरह से रख के हम फ्रिल तैयार करेंगे। हमने चारों तरफ से इस तरह से फ्रिल अटैच कर दी है। ये हमारी बैक साइड हो जाएगी फ्रिल हमारी, ये इस तरह से नज़र आएगी। अब हमने यहाँ पे फ्रिल लगानी है तो हम टिश्यू का कपड़ा लेंगे। हमने 2 मीटर लिया है, आप चाहे तो पीको भी करवा सकते हैं। हम इसकी दामन की सिलाई करेंगे। हमने फ्रिल की पट्टी बना दी है, अब हम इस तरह से फ्रिल लगाएंगे, लाइनन के ऊपर लगाएंगे। हमने दोनों पीसेस को फ्रिल अटैच कर दी है, अब हम ऊपर का जो टिश्यू का कपड़ा है हम वो अटैच करेंगे। हमने पेटी की जो फ्रिल है नीचे वाली वो हमने तैयार कर दी है, ये हमारी इस तरह से नजर आएगी। अब हम पेटी को अटैच करेंगे। हमने ये पट्टी ली है, 3 इंच हमने वेद में लिए है और लंबाई में हमने 1 मीटर तक ली है। इस तरह से पीछे से जो कड़े बांधेंगे हम वो बनाएंगे। अब हम पेटी की फिटिंग की सिलाई करेंगे। एक तरफ हम सिलाई करेंगे, अब हम दोनों फिटिंग की सिलाई को पर इस तरह से रख के हम ये सिलाई करते जाएंगे। हमने फिटिंग की सिलाई कर दी है, हमारी एक साइड फिटिंग की सिलाई की है क्योंकि इस साइड हम डिज़ाइन बनाएंगे। हम डिज़ाइन बनाने के लिए जो कपड़ा लेंगे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, हम 10 इंच तकरीबन हम ज़्यादा रखेंगे इस तरह से, नॉर्मल से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हम इस पीस की दोनों तरफ से सिलाई करेंगे। ये दोनों तरफ से सिलाई कर दी है, अब हमने जो कटिंग की थी फिटिंग की इसके ऊपर ही इस तरह से रखेंगे।
हम इस सिलाई के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। हमने फ्रॉक की सिलाई कर दी है। अब हमने डिज़ाइन बनाने के लिए जो कपड़ा अटैच किया है इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। हमने पर्ल लिए हैं बिग साइज वाले। हमने डिज़ाइन बना दी है फ्रॉक की और फूल भी लगा दिया है। ये हमारी फाइनल लुक है। आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.